नागाणा थाना क्षेत्र के एमपीटी के वेलपेड 15 के पास पाइपलाइन के लिए खुदाई कर रहे एक मजदूर पर रेत का टीबा ढहने से मौत हो गई। मृतक का नाम जितेंद्र शाह निवासी बिहार बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रख पाया। मृतक के परिजन मंगलवार को बाड़मेर आएंगे, उसके बाद ही पोस्टमार्टम पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के नागाणा थाना अंतर्गत एमपीटी के वेलपेड 15 के पास पाइपलाइन के लिए खाई खुदाई कर रहे एक मजदूर पर रेत का टीबा ढहने से मौत हो गई। रविवार शाम नागाणा में एमपीटी के वेलपेड 15 के पास स्थित सड़क मार्ग के पास पाइपलाइन खुदाई का काम चल रहा था। वहां पर बिहार निवासी जितेंद्र शाह नाम का मजदूर खुदाई का काम कर रहा था। इस दौरान टीला धंस गया और मजदूर रेत में दब गया। घंटों तक यह मजदूर रेत में दबा रहा, जिसके बाद साथी श्रमिकों ने उसे बाहर निकाला और बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय पहुँचाया। यहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मेरा एक चाचा जो लगते हैं वो कल पाइप में दब के मर गए। वो बेल्डर थे, आर्मी बेल्डर, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में काम करते थे और वो बेलपेट 15 के पास उनकी घटना हुई है 6 बजे PM। कंपनी ने क्या जवाब दिया आपको इसका? कंपनी में अभी तक कोई होती जवाब नहीं है, कोई पूछने के लिए भी कोई स्टाफ नहीं आ रहे, नहीं केन वाले साहब आ रहे हैं, नहीं हमारा कल्पतरु का PM साहब भी आ रहे हैं। परिजन कोई पहुँचे यहाँ पर? अब परिजन आने वाले हैं सर, वो टिकट कल फ्लाइट का कराएं, वो जयपुर में 6 बजे पहुँचेंगे और सुबह मॉर्निंग टाइम में यहाँ पे आएंगे। आपके क्या मांग है कंपनी से? सर मांग है कि उनको बीबी पेंशन योजना यानी जो फुल पेमेंट होता है वो हर महीने मिले 60 साल तक उम्र तक, और उनके जो केन वाली पॉलिसी है वो मिलना चाहिए, और उसके सेम टू सेम कल्पतरु भी वैसा पॉलिसी देना चाहिए, और बच्चे की पढ़ाई के लेकर जितना खर्चा होता है वो देना चाहिए, और 20 साल होने के बाद में उसको परमानेंट नौकरी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रेत से दबे मजदूर की मौत के बाद उसके साथी श्रमिकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। श्रमिकों ने मृतक के परिजनों को कंपनी में नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर शव नहीं हटाने की मांग पर अड़ गए। हंगामा बढ़ता देख नागाणा थाना पुलिस और कंपनी के अधिकारी मौके पर मोर्चरी पहुंचे और श्रमिकों से समझाइश कर शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल मृतक के परिजनों का इंतजार किया जा रहा है, उनके बाड़मेर पहुँचने के बाद ही मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा।